Welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to get us full time. So let's start the vlog. Hope you enjoy it. तो चलते हैं. अभी फिलहाल यहाँ पे हैं. So चाय पी ले रहे हैं. चाय आज के vlog की शुरुआत चाय से होगी. So let's go. देखो आज ये कुत्ता कितना आराम से सो रहा है. और मेरे साथ है आज इश्तियाक जो कहीं बिजी है. कैसे क्या कर रहा है? और आज हम लोग राइड करेंगे जिक्सा. हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं. भैया तो ये है हम लोग का चाय. पीक पता कैसा लग रहा है? हम भी पीते हैं फिलहाल. गर्म बहुत. टेस्ट कैसा है? एक नंबर. चलो ठीक है, एकदम कड़क है ना. एक तो चाय पीते हैं फिलहाल. चाय का मजा पूरा खराब. कैसा लग रहा है? कड़क चाय में मक्खी डुबिया. मक्खी चूस. मक्खी चूस नहीं नहीं मक्खी चूस में बाते. चल पैसा देते हैं उसके बाद निकल. सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द राइड. चलो कहीं कम होगा अब. कभी कम होगा? नहीं होगा. पर पॉकेट मनी खत्म हो जा रहा है पेट्रोल में. हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और कुछ कुछ खाने के लिए ले लेते हैं. क्या खाएगा? क्या कोला? केला. केला? केला नहीं खाएगा तू? ले ले केला. ले लेते हैं. हाँ ले ले भाई. कुरकुरे देना दो पीस. दस वाला, दस वाला कुरकुरे दो. तो हम लोग फिलहाल समोसा पैक करवा ले रहे हैं. समोसा पैक करवा रहे हैं ना. कितना पीस ऑर्डर दिया है? चल ठीक है बढ़िया. और यहाँ पे स्वीट्स है. समोसा बना रहे भैया? हम लोग समोसा पैक कर लिए यहाँ पे. और समोसा पैक करके अब हम लोग जा रहे हैं गेता सुल टाइम. वी आर ऑन द वे ऑफ गेता सुल टाइम. यहाँ से गेता सुल डैम अप्रॉक्स 4 किलोमीटर्स है. और यहाँ पे हम लोग इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ पे सो सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है. हैव अ लुक. लंबे लंबे पेड़ हैं और काफ़ी अच्छा यह सीन है यहाँ पे. मज़ा आ जाएगा देख के. फोटोशूट करते हुए उड़ा दीजिए भैया इन लोगों को. मारिए सीधे स्कूटी से. नहीं मारा. उधर ध्यान दे तू. फोटो खींच. फोटो खींच उसको. शर्मा कहा गया वो पास हो गई तो. लोगों ने यहाँ पे फोटोज क्लिक कर लिया और अब जा रहे हैं गीता सुल डैम. सो ये तो काफ़ी लंबा डैम निकल रहा है. यहाँ पे इतना बड़ा डैम है कि पैदल यहाँ पे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. थक जाओगे बहुत ज़्यादा. तो हम लोग यहाँ पे सो बाइक से ही घूम ले रहे हैं डैम. और यहाँ जहाँ तक नज़र जाता है वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी है. इधर सिर्फ पानी है और इधर सिर्फ है सो जमीन ही जमीन है. ऑसम. हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं और काफ़ी उतर चुके हैं. हालत ख़राब होने वाली है और हम लोग का भी जाना वहाँ पे. सो लेट्स गो. वाह वाह क्या पोज है. तो हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे गीता सुल डैम के. बरसात में यहाँ आना बनता है क्योंकि ये जो फाटक खुलेगा तो पानी यहाँ पर पूरा भर जाता है और देखने लायक रहता है. काफ़ी बहुत अच्छा ही सीन रहता है. और ये मेरा फ़ोटो ले रहा है. व्हाट अ स्टेप. जो
भैया जी स्माइल स्माइल दीजिए फोटो में। हम बोल रहे थे ना, बताओ नीचे अब चढ़ने में कैसा लग रहा है? हालत ख़राब हो गया यार यहाँ पे चढ़ने में। बोले थे बच्चों को का खा का है यार इतना दौड़ रहा है। सही यार, बहुत हाई लेवल एनर्जी इन लोग का। खैर अभी इतना और चढ़ना बाकी है और इतना चढ़ चुके हैं ऊपर, सो लेट्स गो। हमारे पास भी बहुत एनर्जी है। यहाँ पे भैया लोग हैं मछली पकड़े बंसी से, मतलब वही है फंसा रहे हैं। मछली मिलता है भैया? भैया नो रिस्पॉन्स। काफ़ी अमेजिंग व्यू है यार, जहाँ तक देखो बस पानी ही पानी है। और यहाँ पे है सो ये भी बोला जाता है कि बहुत है सो बड़ी बड़ी मछलियाँ पा जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा भी है, तो आप कभी ये मत सोचना कि हम यहाँ पे नहा लेते हैं, डूब जाओगे यहीं पे रह जाओगे आप। सो स्टे अलर्ट। जैसा कि ये कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, धो रहा है का? तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा चिल करेंगे और यहाँ पे ये समोसे खाएंगे और बहुत सारी चीज़ें कुरकुरे वगैरह सब है, तो पहले खा लेते हैं फिर बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे हाफ आवर चिल के हैं, खाना वाना खाए हैं, कुछ लाए थे घर से वो खा लिए हैं, और अब हम लोग यहाँ से जाते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग, एंड इफ यू लाइक माई व्लॉग प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक कमेंट एंड शेयर। फिर मिलेंगे जरूर, बाय बाय।